सकते हैं, वो शक्ति किसके पास है, उसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है, आज उसके बारे में हम लोग बहुत सुंदर अवलोकन करेंगे। उस यात्रा पर हम लोग चलेंगे दोस्तों। एक बारे की बात है कि एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था, करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना। और जैसे वो बना तो उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा, तो लोगों ने बोला कि भाई तुम्हें इतना अभिमान है, तुम लोगों का मजाक उड़ाते हो, तो ऐसा करो इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको हरा कर दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम सबसे नंबर वन हो, श्रेष्ठ हो। तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो बड़े बड़ों को धूल चटाई है, ये तो मेरे लिए छोटा सा काम है। और उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को चैलेंज किया, चैलेंज करके उनसे बोला कि मैं आपको हराना चाहता हूँ, इस प्रतियोगिता में मैं आपसे कम्पीट करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मुझे हरा कर क्या करोगे? तो उसने कहा लोग कहते हैं कि जब आपको ही मैं पराजित कर लूँगा तभी मैं नंबर वन कहलाऊँगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर उसको बड़े मैदान में ले आया, कहा बेटा बताओ क्या करना है। उस लड़के ने सामने मैदान पर एक निशाना साधा और तीर एक्यूरेटली लगाया, दूसरा एक और तीर लिया और पुराने निशाने को भेदते हुए फिर एक्यूरेटली लगाया और मुस्कुराते हुए बोला कि आप ऐसा कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कांपते हुए हाथों से दो तीर निकाले और एक के बाद एक छोड़े, उससे आधे समय में करके उसने एक्यूरेटली वो करके दिखाया और बोला कि बेटा जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। गांव के कोने में दो बड़े बड़े पहाड़ थे, हजारों फीट गहरी खाई थी, वहाँ उसे ले गया। एक पतली सी पगडंडी जा रही थी जो झूले की तरह हिल रही थी, उस पर कोई पाँव रखे तो चक्कर आ जाए, पसीना आ जाए, और वही उस लड़के के साथ भी हुआ। जैसे ही पाँव रखा वो झूलने लगा, उसे लगा कि मैं गिरा कि गिरा, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी निश्चिंत स्थिति में रहते हुए आराम से आगे जाकर उस खाई के ऊपर बीच पर खड़ा हो गया। तो लड़के ने कहा हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम आओ मेरे पीछे। बीच में आकर जब दोनों खड़े हुए, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना तीर लिया और एक्यूरेट दो पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर पत्ती पर एक्यूरेट निशाना लगा दिया और कहा कि बेटा ये पहला चरण है, ये करके दिखाओ। लड़के ने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाला, तीर निकाल कर निशाना साधने की कोशिश की, माथे पर पसीना पोंछा और जैसे तैसे उसने तीर छोड़ा तो वो तीर उस निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा, वो खाई में जाकर नीचे गिर गया। लड़का को मालूम था कि वो हार चुका है, आंखों में आंसू थी, शर्म थी और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और दोस्तों चरणों में गिरकर उससे बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, आप मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, असल में तो सर्वश्रेष्ठ आप हैं। तो दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उठाकर उसे अपने गले लगाया और गले लगाकर उससे बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो, लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है, इसीलिए जरा भी परिस्थिति विकट हुई और तुम्हारा निशाना चूक जाता है। तो बेटा अगर तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, हर चीज में सफल होना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाकर उसे संयम में रखो। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब मन हमारा कमजोर होता है, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, दोस्तों चाहे आप कितने भी ज्ञान को आत्मसात कर लें उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मन हमारा कमजोर है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर है तो वही परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों जब मन हमारा सशक्त है, शक्तिशाली है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है, कुछ कर दिखाने का रूप ले लेती है। इट्स ऑल गेम ऑफ आवर माइंड। तो दोस्तों आज इसी यात्रा पर हम अपने मन की अद्भुत शक्तियों को पहचानेंगे। आपकी जीत आपके सामने है, आपका लक्ष्य आपके सामने, आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने मन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और आज कैसे ये करना है, किस प्रकार से करना है, जीवन के हर पहलू में आपका मन किस किस जगहों पर असर करता है, दोस्तों इन सब बातों को हम बहुत सुंदर रूप से समझेंगे। तो आइए चलते हैं इस मन की यात्रा पर। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है,
कि आज मानव जीवन बैलेंस खो चुका है, संयम खो चुका है। सवेरे लगता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है दोस्तों, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी उसका स्वरूप बनना, उसको अपने मन में अपने जीवन में धारण करना, उससे आज हम कोसों दूर हैं। उससे हम कोसों दूर हैं। हम सुना देते हैं, समझा देते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में धारण करने से हम बहुत दूर हो जाते हैं। आज बड़ी बड़ी बीमारियां, वायरस हमारे जीवन में आए दोस्तों, उन्होंने हमारे जीवन को असर किया, लेकिन एक ऐसा वायरस जो हमारे संपूर्ण जीवन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका है, जानते हैं वो वायरस क्या है? जानते हैं वो वायरस क्या है? वो वायरस है दो शब्दों का वायरस। दोस्तों लाइट्स को थोड़ा डिम कर देंगे स्टेज की। वो वायरस है आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। पूरे दिन हर व्यक्ति जीवन में यही कहता रहता है, बिजी हूं, बिजी हूं, बिजी हूं, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और दोस्तों साइंस ये बहुत सुंदर रूप से प्रूव कर चुकी है कि जो लोग स्वीकारते हैं, मानते हैं कि वो लोग लाइफ में बिजी हैं, उनके जीवन में तनाव ऑलमोस्ट 200 टाइम्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और उनकी परफॉर्मेंस 50% डिक्रीज हो जाती है। अब आप सोचिए, पूरे दिन जब हम अपने मन की ट्यूनिंग को ये कर दी कि मैं बिजी हूँ, स्ट्रेसफुल हूँ, टाइम नहीं है, तो हम जितने भी ज्ञान को, जितनी भी बातों को हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में असर ही नहीं करेंगी। तो आज की इस यात्रा में सबसे पहले हम सब एक एक्सरसाइज करेंगे। सभी तैयार हैं? आगे और पीछे बताइए, बोलेंगे मेरे साथ साथ? यस, हाँ, सभी बोलेंगे। बहुत सुंदर यात्रा है। ये शब्द आप मेरे पीछे बोलिए, आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं। देखो कितना सुंदर है। हम बिजी शब्द के अंदर ही एक और सुंदर शब्द छुपा हुआ है, वो क्या है? बी इजी। बिजी आउटसाइड लेकिन बी इजी इनसाइड। दोस्तों ये केवल मनोस्थिति की बात है, मनोस्थिति की बात है। भागती भागती जिंदगी के अंदर जहां हमने भौतिकता, हमने अपने जीवन में इतना सामान इकट्ठा किया है, हम केवल यहां पर आपसे एक बीत पूछते हैं कि जितना सामान इकट्ठा किया है उतना हमने सुकून को भी इकट्ठा किया है? उस सुकून को भी जीवन के अंदर, उस चैन, उस आनंद, उस सुख और शांति को भी अपने जीवन में इकट्ठा करना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है। पूछिए अपने आप से, सब कुछ होते हुए भी क्या आज मैं खुश हूं? क्या आज मेरे जीवन के अंदर वो आनंद, वो प्योरिटी, वो प्यार, उसको मैंने अपने जीवन में इकट्ठा किया है? आज उसी की खोज में, आज उसी को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम अपनी मन की शक्तियों को दोस्तों हम समझा देंगे। और इसका केवल एक तरीका है, वो अपने अंदर, अपने संकल्पों, अपने जीवन में दोस्तों बैलेंस को लाना, बैलेंस को लाना। और ये परिवर्तन दोस्तों कहीं बाहर नहीं आएगा, इस परिवर्तन को केवल हमें अपने ही जीवन में लाना पड़ेगा। एक बार एक महात्मा था, वो महात्मा बहुत अच्छी तपस्या और मेडिटेशन कराता था, लेकिन मेडिटेशन कराते कराते दिन में एक या दो बारी वो बार बार शीशों को देख लेता था। एक बारी देखेगा, दो बारी देखेगा, फिर रख देगा, फिर थोड़ी देर बाद उठाएगा, दो बारी शीशे को देखेगा और फिर रख देगा। तो लोग परेशान हो जाते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग उस महात्मा के पास पहुंचे और बोले कि ये हमको समझ में नहीं आता, आप इतना अच्छा योग कराते हैं लेकिन आप शीशे को दो बारी क्यों देखते हैं। मुस्कुराने लगा, बोलो बैठो मैं बताता हूं। तो उसने कहा कि देखो, जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं शीशे को पहली बार देखता हूं। तो लोगों ने पूछा आपको क्या दिखता है, तो उसने कहा कि इस शीशे के अंदर मुझे अपने जीवन की समस्याओं का सारा कारण दिख जाता है। तो लोग हंसने लगे, कहते हैं अरे इस शीशे में तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। तो उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो, मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण कहीं बाहर नहीं, मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण मेरी स्वयं की मनोस्थिति है, मैं स्वयं हूं। तो उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं महात्मा जी, पर आप ये बताइए आप दूसरी बारी क्यों देखते हैं। तो वो हंसने लगा, उसने कहा जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे सारे जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है वो दिखाई देता है। तो वो फिर हंसने लगे, कहते हैं आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो, अगर मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं तो उसका सॉल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है दोस्तों। वी हैव टू डू इट। सुनने से नहीं होगा, केवल मन में संकल्प करके। यदि आज ही एक संकल्प लेंगे, एक मिनट के अंदर आप अपनी लाइफ को संपूर्ण रूप से दोस्तों परिवर्तन कर सकते हैं।
इसीलिए जिस परिवर्तन को आप बाहर देखना चाहते हैं, चेंज को बाहर देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन को आपको अपने जीवन में स्वयं धारण करना पड़ेगा। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। दोस्तों, हम लोग सालों सालों लेक्चर सुनते आए हैं, यूट्यूब पे सुनेंगे, भाषण सुनेंगे, अलग अलग सेक्ट्स के सुनेंगे, सब लोगों की बातें सुनेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा बोलते हैं, परिवर्तन कहाँ है? केवल एक बात यदि मैं अपने मन को बिठा लेता हूं, उसको डाइजेस्ट कर लेता हूं और अपने मन को संकल्प देता हूं कि मुझे चेंज होना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, दोस्तों दैट्स द वे, दैट्स द डे कि आपकी लाइफ संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। यू स्टार्ट डिजाइनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर ओन डेस्टिनी। यही आज हमारे जीवन का दोस्तों सत्य है। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारे जीवन की इस अद्भुत यात्रा को। बताइए, आप में से कौन कौन मानते हैं कि आपके विचारों का आपके जीवन पर असर पड़ता है? हाथ उठाइए। तो आप सब लोग मानते हैं, आप सब लोग ये मानते हैं कि आपके विचारों का आपके जीवन पर असर पड़ता है। तो मेरा प्रश्न है कि आप में से कौन कौन रोज उठकर अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है? यदि आप जानते हैं कि आपके विचारों का आपके भविष्य पर असर पड़ता है, दैट मीन्स हम अपने भविष्य को स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सोचने, समझने और करने में यही अंतर हमारे जीवन की मनोस्थिति को, हमारे जीवन की स्थिति को, खुशी को हमसे कहीं ना कहीं दोस्तों दूर ले जाता है। आज एक मानव मन एक दिन के अंदर 50,000 to 70,000 विचार उत्पन्न करता है। आपके मन की फैक्ट्री 50,000 to 70,000 विचार उत्पन्न करती है। और दोस्तों, उन 50,000 विचारों में से 90% to 95% जो हमारे विचार हैं, जो आपकी सोच है, वो साइंस कहती है नकारात्मक, वेस्ट, नेगेटिव, रिपीटेटिव और यूजलेस होती है। बार बार वही विचार आते हैं, नेगेटिव आते हैं, वेस्ट आते हैं और यूजलेस विचार आते हैं। आप सोचिए कि अगर 50,000 विचारों में से 48,500 विचार हमारे नकारात्मक, नेगेटिव और वेस्ट हैं, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी किस प्रकार की होगी? एक फैक्ट्री जिसके प्रोडक्ट्स यूजलेस हैं, 95% यूजेस हैं, तो दोस्तों वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी हो ही नहीं सकती अच्छी। और यही शो करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। इन 95% विचारों को अगर हम देखें तो हमारा विचार हमारे जीवन में हमको व्यवहार देता है। आप देखिए ना, यदि आपका विचार पॉजिटिव है, आपका मूड बहुत अच्छा है, थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? अच्छा होगा या नेगेटिव होगा? बहुत अच्छा होगा। आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आपका व्यवहार भी बहुत बढ़िया होगा। और जब आपका व्यवहार पॉजिटिव है तो आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं भी दोस्तों बहुत पॉजिटिव होंगी, आपके रिएक्शन, आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में विचार नकारात्मक हैं तो आपका व्यवहार भी नकारात्मक, नेगेटिव होगा। आपके जीवन के अंदर जो फीलिंग्स भी होंगी वो भी नेगेटिव और नकारात्मक होंगी। दैट इज व्हाई एवरी थॉट दैट यू आर क्रिएटिंग, एक एक विचार जो आप अपने जीवन में क्रिएट करते हैं दोस्तों, वो विचार आपका भविष्य बनाता है, आपकी महसूसता को डिटरमिन करता है, वही आपकी डेस्टिनी को डिटरमिन करता है। तो यानी एक बात बड़ी क्लियर होती है कि सारा जेनेसिस हमारी लाइफ का कहां से हो रहा है? हमारे कहां से हो रहा है? हमारे विचारों से हो रहा है। अब पहला प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है डॉक्टर मोहित, हम सब मानते हैं कि हमको विचारों को परिवर्तन करना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे विचार तो मेरे तक ही हैं। अगर मैंने, हम किसी को बोलते हैं ना, आपने अपनी ये बात उसको बताई तो नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने केवल सोचा ही था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला है। इसका अर्थ है आप सोचते हैं कि जो आपने सोचा है वो आपके मन में ही रहा, वो बाहर नहीं गया। साइंस इसके बारे में क्या कहती है दोस्तों? देखिए, क्या हमारे विचार हमारे ब्रेन के अंदर ही रहते हैं? आज साइंस मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम की इस मशीन के द्वारा, जो आपके ब्रेन को टच नहीं करती है, केवल बाहर से आपके ब्रेन के पैटर्न को इमेज करती है और कंप्लीट ब्रेन का मैप बना देती है, वो शो करती है कि आपके विचार आपके केवल मन में नहीं रहते, ब्रेन में नहीं रहते, वो बाहर पावरफुल तरीके से दोस्तों रेडिएट करते हैं, एनवायरमेंट में रेडिएट करते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, यदि मेरे विचार मेरे मन में नहीं रहकर बाहर रेडिएट कर रहे हैं और साइंस की मशीन इनको कैच कर सकती हैं, तो वो विचार कहां कहां पर असर करेंगे? वेयर आवर थॉट्स विल वर्क। दोस्तों, हमारे विचार सबसे पहले हमारे स्वयं के जीवन को, हमारे शरीर, हमारी जीन्स, हमारे मन को असर डालते हैं। उसके बाद हमारे विचार
हमारे रिलेशंस पर भी पावरफुल असर डालते हैं, हमारे आपस के संबंध किस प्रकार के हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे विचार, हमारे जीवन में हमारे नेचर, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे भोजन, प्रकृति और पानी पर भी गहरा असर डालते हैं। और इन सब बातों को, एक एक बातों को मैं साइंटिफिकली एग्जाम्पल्स के साथ, अपनी लाइफ के और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ दोस्तों आज आपके सामने रखूंगा। आपका मन आनंदित हो जाएगा और आप समझेंगे कि कितनी अभूतपूर्व शक्ति आज आपके पास है, जिसके द्वारा आप स्वयं अपने भविष्य का दोस्तों निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे विचार हमारी जीन्स पर भी असर डालते हैं, जो हमारी बॉडी का बिल्डअप है, हमारी बॉडी के क्रोमोजोम्स हैं उस पर असर डालते हैं, या जो जीन्स हमको विरासत में अपने माँ बाप से मिलती हैं वही जीन्स हमारी डेस्टिनी है। दोस्तों इस ब्यूटीफुल साइंस को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। यदि आज मेरी परिवार में किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कैंसर है, किसी को ब्रेन की बीमारी है, तो क्या साइंस ये कहती है कि मेरी जीन्स के अंदर वो बीमारी है तो वो बीमारी मुझे भी जरूर होगी? और यदि उसका उत्तर हाँ है तो ये चिंता का विषय है, अर्थात मेरी जीन्स तो सेट है, मुझे परिवार से विरासत में मिली और वो बीमारी मुझ तक जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों आज इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे। देखिए इस साइंस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, जिसके द्वारा हम ऐसे स्टडीज को देखते हैं, ऐसे फैक्टर्स को देखते हैं जो हमारे अंदर बॉडी के बिल्डअप को, हमारी जीन्स को वो किस तरह अफेक्ट करते हैं। और आज जिस फैक्टर को मैं आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूं वो है राजयोगा और मेडिटेशन, मेडिटेशन के विभिन्न विभिन्न प्रकार। देखिए दोस्तों बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डीन ऑर्नेश ने किया था प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स पर। अब ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने 30 प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लिया, जो लोग नॉर्मल एलोपैथिक इलाज नहीं करा रहे थे या उनका इलाज प्रैक्टिकली फेल हो चुका था। उन लोगों को उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन सिखाया। दोस्तों 3 महीने के अंदर, मात्र 3 महीने के अंदर, जो उनकी कैंसर कॉजिंग जीन थी वो कैंसर कॉजिंग जीन वो डाउन रेगुलेट होके स्विच ऑफ हो गई, और जो उनकी हेल्दी जीन थी, प्रोटीन बिल्डिंग जीन थी, वो ओवर एक्सप्रेस करने लगी, यानी हेल्दी जीन ओवर एक्सप्रेस करने लगी। जब उन्होंने फर्दर एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि 500 जीन्स का भी एक्सप्रेशन बॉडी में चेंज हुआ, और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स बॉडी के अंदर थी वो सब धीरे धीरे डाउन रेगुलेट होती चली गई। ये पहली स्टडी थी जिसने दिखाया कि केवल मेडिटेशन और अपने जीवन शैली को बदलने के द्वारा हम अपनी कैंसर जैसी भी भयानक जीन्स को कंप्लीटली स्विच ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों इसी पर हमने अपने हॉस्पिटल में बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स कैरी करने आरंभ किए। मैं जनरली हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूं। एक हफ्ते के अंदर टिपिकली मैं 100 से 150 केस ऑपरेट करता हूं, और उसके अंदर करीब 20-25% जो मेरे मरीज होते हैं वो केवल 18 से 35 साल की उम्र के होते हैं। तो मेरे मन में यही आता था कि आज से पहले इतनी यंग एज के मरीज नहीं आते थे, आज ऐसी क्या खास बात है जो हार्ट अटैक यंग लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। इसी को हमने स्टडी करना दोस्तों आरंभ किया, और हमने उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को आरंभ किया। और क्या स्टडी किया ध्यान से समझिए। देखिए ये जो क्रोमोजोम है इसके ऊपर आपको एक हरी कैप दिखाई दे रही है, जो कि एक टोपी की तरह काम करती है। दोस्तों ये टोपी क्या है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे शूलेस है, शूलेस के ऊपर भी एक टोपी होती है, इसी तरह हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी टोपी होती है जो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है और बीमारी होने से रोकती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये टोपी कमजोर होती जाती है, इसी कारण उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। सबको क्लियर हुआ, यस और नो? बिल्कुल क्लियर हुआ, वेरी गुड, परफेक्ट। अब हमने इस टोपी को मेजर करना उन यंग बच्चों में आरंभ किया। देखिए हमने 18 से 30 साल के हार्ट अटैक के बच्चों को लिया, उनके तनाव को हमने मेजर किया, घर का तनाव, वर्क का तनाव और जनरल तनाव को मेजर किया, और साथ में हमने उनकी जेनेटिक लेंथ को, यानी उस टेलोमियर लेंथ को भी हमने मेजर किया। दोस्तों रिजल्ट्स क्या थे ध्यान से सुनिए। रिजल्ट्स ये थे कि जब हमने पाया उन बच्चों की शारीरिक उम्र तो 18 से 30 साल थी, 18 से 30 और 35 वर्ष थी, लेकिन उनकी जेनेटिक लेंथ, उनकी जीन की लेंथ हमने जब पाई वो थी 60-85 ईयर्स।
यानी वो एक्चुअली दिखने वाले 18 से 35 साल के थे, लेकिन उनका अंदर का बॉडी मेकअप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था और उनकी जेनेटिक लाइन देखिए लाल रंग के अंदर दिखा रहे हैं कितनी सिग्निफिकेंटली कम है, वो 62-85 ईयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति के बराबर थी। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना वो स्मोकिंग करते हैं, ना फैमिली हिस्ट्री है, ना डायबिटिक, ऐसा हो क्यों रहा है। हमने दोस्तों उनका तनाव मेजर किया था, जब हमने देखा तो हमने पाया तनाव और स्ट्रेस उनके जीवन के अंदर मैक्सिमम लेवल्स पर था, हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस उन यंग बच्चों के अंदर था। हमने जब फर्दर एग्जामिन किया तो हमने देखा कि जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ पर्पस है, जिन लोगों के अंदर प्यार की कमी है, जिनके अंदर पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, उन लोगों के अंदर टेलोमेरेज एंजाइम कम हो जाता है और उनकी टेलोमियर लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। लेकिन दोस्तों वो लोग जो अपने जीवन में खुश रहते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है, ग्रैटिट्यूड की भावना है, अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करते हैं, संबंध अच्छे हैं दोस्तों, उनकी टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो पॉजिटिव रहता है और उनकी टेलोमियर लेंथ वो बढ़ती चली जाती है। दोस्तों ये शो करता है कि आज हम अपने मन की शक्ति के द्वारा, अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा अपनी जीन्स पर असर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, आप बताइए। डाल सकते हैं, वी हैव द पावर। आप अपनी जिंदगी की, अपनी खुशी की जीन्स को, अपनी पॉजिटिव जीन्स को, अपनी हेल्दी जीन्स को दोस्तों अपने विचारों के द्वारा कंप्लीटली स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं, हम बाहर की चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर हार्वर्ड के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सुंदर स्टडी की जिसमें उन्होंने 400 बच्चों को लिया और 75 साल तक उन बच्चों को फॉलो किया और वो देखा एक सिंगल फैक्टर जो उनके सक्सेस और उनके जीवन के लिए निर्धारण, जो उनके लिए निर्धारित करता है कि ये लोग सक्सेसफुल भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और इनको सब कुछ मिलेगा, दोस्तों केवल एक तरीका, एक फैक्टर था, वो था गुड एंड हैप्पी रिलेशंस, हमारे संबंध स्वयं के साथ, परिवार के साथ, हमारे मित्रों के साथ, किस प्रकार की हमारी पॉजिटिव भावनाएं हैं दोस्तों, यही डिटरमिन करते हैं कि हमारा लाइफ किस प्रकार से क्रिएट होगा। तो आज हम सबको यह समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में जो खुशी है दोस्तों वो डेस्टिनेशन नहीं है, हर पल जिंदगी की खुशी को हमने अनुभव करना है, अपनी जिंदगी में साथ बैठकर आनंद का अनुभव करना है। दोस्तों वी हैव द पावर टू रेगुलेट अवर जीन्स, हेंस फर्स्ट फैक्ट आज प्रूव होता है कि मेडिटेशन के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा, अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा हम अपनी बॉडी की, अपनी जेनेटिक संरचना को भी, जो हमारी बॉडी के को डिटरमिन करता है, हमारी लाइफस्टाइल को डिटरमिन करता है, उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी हैव द पावर टू डू दिस, दिस इज व्हाट साइंस इज बिहाइंड राजयोग मेडिटेशन। केवल ऐसा ही नहीं कि आप यहां पर आए और आत्मा परमात्मा समझकर आप योग लगा रहे हैं, या आपने सुना कि भाई हमें खुश रहना है, अच्छी बातें करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना, दिस इज नॉट, दिस इज द लॉजिकल मैनिफेस्टेशन। लेकिन जब आपका मन, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यताएं बदल जाएंगी, आप इसके पीछे एविडेंस को समझ जाएंगे, तब आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में दोस्तों अपना पाएंगे, आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अनुभव कर पाएंगे। तो टुडे We don't have a fixed DNA makeup. Our DNA isn't our destiny. लेकिन हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने DNA को दोस्तों चेंज कर सकते हैं। दूसरा फैक्ट जो आज हमारे सामने आता है, जो प्रश्न लॉजिकली आता है कि ठीक है डॉक्टर मोहित, हमने अपने विचारों के द्वारा अपनी जेनेटिक संरचना को चेंज किया, पर क्या हम अपने विचारों के द्वारा अपने शरीर को भी चेंज कर सकते हैं? Can we change our body just by our thoughts? आइए इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आज आप लोग समझिए कि ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है। डॉक्टर अल्वारो पास्कल लियोन जो हार्वर्ड के बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया। मेरी तरफ देखिए आप सब लोग क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने दोनों ग्रुप्स को कहा कि मैं आप सब लोगों को पियानो प्ले करना सिखाऊंगा, समझे आप सब लोग, है ना। अब इस ग्रुप के साथ उन्होंने क्या किया, इस ग्रुप को उन्होंने पियानो के आगे बिठाया, आप लोगों को हाथ के द्वारा पियानो प्ले करना सिखाया और 2 हफ्ते तक आपको ट्रेन करते रहे कि पियानो किस तरह प्ले करना है। आप लोग सीख रहे थे और आप लोग इंप्रूव भी कर रहे थे। आप लोगों के साथ उन्होंने क्या किया,
आप लोगों को उन्होंने केवल पियानो की पिक्चर दिखाई, आपको केवल इमेजिन करवाया कि पियानो इस तरीके से प्ले किया जाता है, आपको वीडियो दिखाया लेकिन आपसे पियानो एक्चुअली प्ले नहीं कराया। तो आप लोग प्ले कर रहे थे और आप लोग केवल इमेजिन कर रहे थे कि आप लोग प्ले कर रहे हो। दो हफ्ते तक उन्होंने ये एक्सरसाइज रेगुलरली कराई। उसके बाद उन्होंने MR की यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आप लोगों के ब्रेन्स की, ये देखने के लिए कि जो ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है उस पर इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों देखिए रिजल्ट क्या था। जब उन्होंने ब्रेन को इमेज किया, मेंटल प्रैक्टिस यानी जो लोग सोच रहे थे और जो लोग एक्चुअली कर रहे थे, दोनों के अंदर सिमिलर ब्रेन के चेंजेस पाए गए, सिमिलर ब्रेन के चेंजेस पाए गए। आपका तो अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप लोग एक्चुअली प्ले कर रहे थे, लेकिन आप लोग तो केवल सोच रहे थे। सोचने के ही द्वारा आपने अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर दिया। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग। अगर हमें अपने बॉडी को चेंज करना है, अपने शरीर की संरचना को चेंज करना है दोस्तों, तो करने से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, केवल सोचना इंपॉर्टेंट है। आज के बाद जब हम लोग बोलते हैं मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार ही रहता हूं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे को लगता नहीं कमजोरी रहती है, मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मुझे तो फेल होने की आदत सी पड़ गई है, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, ये तो करते ही ऐसा है, दोस्तों एक एक शब्द प्रोग्रामिंग अंदर क्रिएट कर रहा है। आपका एक एक शब्द अंदर प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहा है और आपका ब्रेन तथास्तु 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 करके यस मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि ब्रेन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जो आप उसे बोलेंगे वो हां जी करके उसको एक्सेप्ट करेगा और अंदर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर नया डाल देगा या वायर कनेक्शन डाल देगा। जैसे बिजली वाला आता है ना, वो कहेगा आपको यहां से यहां तार चाहिए, ओके मैं इसको डाल देता हूं, और जितना आप उसको बार बार करते जाएंगे वो हार्ड वायर होता जाएगा। दैट इज व्हाई आज साइंस कहती है आवर ब्रेन्स कैन बी रीवायर्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार जो चीज आप सोचेंगे दोस्तों वो होती चली जाएगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, इनको सुन के, इनको सुन के, लेकिन क्या करें मेरी तो आदत ऐसी है, मैं तो चेंज ही नहीं कर पाता हूं। दोस्तों आज के बाद ये शब्द नहीं निकालना है, अपने शब्दों की वोकैबुलरी को हमें चेंज करना है। कभी भी पेसिमिस्टिक बातें, नेगेटिव बातें अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, अपने मित्र संबंधियों के लिए भी कभी भी नहीं निकालने हैं। देखिए डॉक्टर एरिक कैंडल जिनको नोबेल प्राइज 2001 में मिला था, उनको क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने यही कहा था नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस बात को आप बार बार फायर करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, ये देखिए इसका जेनेसिस होता है और ग्रेजुअली ये थिक होता जाता है, और जिस चीज को आप यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन से दोस्तों समाप्त होती जाती है। इसीलिए इट टेक्स 3 days, 3 weeks to 3 months टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। जो भी चीज आप जीवन में देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जिस भी प्रकार से देखना चाहते हैं, यहां पर सब लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ड्रीम रखता है, एक इच्छा रखता है, एक अपने लिए विजन बनाता है। जिस भी विजन को आप देखना चाहते हैं उस विजन को अपने विजन बोर्ड पर सामने लिख दीजिए, मैं अपने आप को इस प्रकार से देखता हूं, मुझे अपनी लाइफ में यह चीज चाहिए। रोज उस चीज को स्मृति में लाइए, कंटिन्यूसली लाइए, उसको रीप्रोग्राम करिए, एंड विद इन 21 days to 3 months आप देखेंगे नेचर एंड कंप्लीट इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। तो जो भी चीज आप क्रिएट अपने मन में करेंगे वो ऑटोमेटिकली दोस्तों बाहर क्रिएट होती चली जाएगी। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आई रिमेंबर 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था तो आई वॉज 96 kgs, तो उस समय मेरे को डायबिटीज, बॉर्डरलाइन, थायराइड, हाइपरटेंशन और लिवर के अंदर फैटी लिवर था। तो दोस्तों कोशिश करता था कभी इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन किसी ने मजाक में बोल दिया कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। तो 2001 की बात थी और 16 जुलाई का वो दिन था, मुझे अभी भी ध्यान है,
मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन वो बात मुझे अंदर कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल तरीके से स्ट्राइक करी दोस्तों। और आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये मेरी पिक्चर्स हैं उस समय की 2001 की, जो डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के बाहर ये पिक्चर्स हैं। आप देख रहे हैं मेरा जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल है, काफ़ी ओबीस था उस समय, 96 kgs था। तो मैंने उसी दिन से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। आज दिन तक मैंने जिम और कभी भी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन क्वालिटी एक्सरसाइजेज एंड क्वालिटी डाइट को मैंने चेंज किया। डेली मैंने उस चीज़ को लगातार किया, अपने सामने विजन रखा कि मुझे अपने आप को पर्सनल और प्रॉपर हेल्थ देनी है। आई हैव टू अचीव दिस इन अ टाइम बाउंड मैनर। और दोस्तों उस 18 जुलाई से लेकर 9 फरवरी तक 2001 जब मेरा डीएम कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस था, मैंने कंप्लीटली अपनी एक न्यू पर्सनैलिटी को पाया। आई लॉस्ट 23 kgs एट दैट टाइम। और दोस्तों उस 23 kgs को लूज करने के बाद आज भी, करीब 21 साल बाद भी, आज मैं अपने शेड्यूल को डेली मेंटेन करता हूं प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और वॉकिंग के साथ। तो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को अपनी दृढ़ता से अंदर बना लेते हैं, आपकी लाइफ आपके सामने वो चीज लाकर प्लेट पर सर्व कर देती है। यू हैव द पावर टू डू दिस, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दिस। केवल सुनने से नहीं होगा, मैंने सुन लिया, मैंने ये कर लिया, नहीं। आज अभी मैं बहुत सुंदर बात सुन रहा था, जो सिस्टर सुना रही थी, कि हम लोग पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन आया, यानी इमोशंस हमारे किस प्रकार से चलते हैं, हमारी लाइफ को डिटरमिन करते हैं। दोस्तों 2020 के अंदर नई चीज़ आई, वो आई स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन अर्थात जो इमोशनल क्वेश्चन को भी डिटरमिन करता है, लेकिन इन तीनों से भी ऊपर जो पावरफुल है वो है हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन। यानी जब हम एडवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, कोविड जैसे टाइम्स में जाते हैं, तब हमारा इंटेलिजेंस, हमारे इमोशंस और हमारी स्पिरिचुअल पावर तीनों सिंक्रनी में काम करते हुए हम उस एडवर्सिटी को कैसे डील कर पाते हैं, ये डिटरमिन करता है हमारी अपनी मनोस्थिति के द्वारा, आपके मन के द्वारा, आपके मन की शक्ति के द्वारा। तो दोस्तों शक्ति किसी और के पास नहीं, किसके पास है? आपके पास है। यू हैव द पावर। एक एक व्यक्ति जो यहां पर है, इररिस्पेक्टिव वो क्या करता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, वो अपनी जिंदगी को निर्णायक कर बना सकता है, उसको एक नव निर्माण कर सकता है। तो कभी भी पेसिमिस्टिक मत रहिए, आशावादी रहिए। पेसिमिज्म इज सिनोनिमस विद वीकनेस एंड ऑप्टिमिज्म इज सिनोनिमस विद पावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए केवल 2 मिनट के लिए हम सब अपने अंदर सकारात्मक विचार लाते हुए अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें। ओम शांति। तो ये चीज बहुत स्पष्ट होती है कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तीसरा प्रश्न जो आज हमारे सामने आता है, पूछेंगे कि मेरे हेल्दी शरीर पर तो असर पड़ता है, लेकिन बीमारियों के दौरान क्या मेरे विचार मुझे हील कर सकते हैं? मुझे दर्द रहता है, मुझे जोड़ों का दर्द रहता है, मुझे ये बीमारी रहती है, मुझे गैस्ट्रिक रहता है, मुझे अलग अलग प्रकार की बीमारी है। दोस्तों आज इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। डॉक्टर जेबी मॉजले वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और उन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, और ध्यान से समझिए मेरी तरफ देखते हुए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को डिवाइड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब आप इमेजिन करिए, इन्होंने सारे पेशेंट्स को लिया और आप सबको घुटनों के जोड़ों का दर्द रहता है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप 1 को अपने पास बुलाया, बुलाकर आपको कहा कि मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, आपने कहा करिए। आप लोगों को अंदर लिया, टेबल पर लिटाया, बेहोश किया, बेहोश करके आपके नी को खोला, नी को खोलकर आपके नी को बिना टच किए केवल 1.5 घंटा लगाकर दिखाया कि एज इफ वो सर्जरी कर रहे हैं, सब लोगों को बाहर टेलीकास्ट किया कि एज इफ वो सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन बिना टच किए आपके नी को वैसा बंद किया और बंद करके बाहर आपको वापस भेज दिया, लेकिन आपको ये बताया कि आपकी सर्जरी हो गई है। आपको क्या किया, आपको बुलाया, अंदर बुलाकर आपके नी को खोला, आपकी प्रॉपर सर्जरी की, आपके नी को क्लोज किया, आपको भी बाहर भेजा और छुट्टी कर दी। 6 महीने बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के अंदर देखा कि कितना इम्प्रूवमेंट पेन का, दर्द का हो रहा है ना। आप लोगों की सर्जरी हुई थी, आप लोगों की नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या मालूम था कि हमारी सर्जरी हो गई है। इम्प्रूवमेंट किस में ज़्यादा होना चाहिए था, इम्प्रूवमेंट हिन में ज़्यादा होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन जब उन्होंने इस साइंटिफिक स्टडी को एनालाइज किया तो दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट पाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों की तो एक्चुअल सर्जरी हुई थी, लेकिन आप लोगों के मन ने यह स्वीकार लिया, आप लोगों के मन ने यह मान लिया कि नाउ आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं,
शरीर बीमार होते हुए भी, सब कुछ वैसा होते हुए भी, मन के संकल्पों के द्वारा एनर्जी ऐसी बॉडी के अंदर गई कि वो जोड़ों का दर्द भी ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी महसूसता कम होती चली गई। इसको कहा जाता है प्लसीबो इफेक्ट। सजेस्टिबिलिटी, एम्पैथी और ऑप्टिमिज्म, जब ये तीनों फैक्टर्स कार्य करते हैं दोस्तों प्लसीबो इफेक्ट के द्वारा, ये हमारे जीवन में हीलिंग क्रिएट करते हैं। और जब हम नेगेटिव लाते हैं, मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो होएगा ही नहीं, ये ठीक हो नहीं सकता हूँ, मेरे को तो ये दर्द हमेशा रहता है, मेरे साथ ये क्रॉनिकली एसोसिएटेड है, तो वो दर्द आपके शरीर के साथ हमेशा जुड़ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को ये मत कहिए कि मुझे तो ये है ही, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। नहीं, आप हमेशा अपने आप को कहिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आई एम फाइन। बीमारी के लिए नॉन एक्सेप्टेंस लेकर आइए, उसके लिए नॉन एक्सेप्टेंस लेकर आइए। तो ये शो करता है कि हमारे विचार बीमारी में हमारे ऊपर असर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो देखो, आपके विचार आपके जीन्स पर भी असर डाल रहे हैं, आपके विचार आपकी बॉडी पर भी असर डाल रहे हैं, और आपके विचार बीमारी में भी आपके ऊपर असर डाल रहे हैं। पर दोस्तों, सीरियस बीमारी का क्या? सीरियस बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, सीवियर इन्फेक्शंस जैसी बीमारियां, उनका क्या? देखिए, ये जेंटलमैन जो हैं, इनका नाम है स्टोमैटिस मोराटिस। ये अमेरिकन वॉर, अमेरिकन आर्मी के वॉर वेटरन थे। 1976 में जब ये रिटायर हुए, इनको टर्मिनल प्रोस्टेट लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया, टर्मिनल लंग कैंसर। और इनको कहा गया कि आपके पास मैक्सिमम 3 महीने की लाइफ है, मैक्सिमम 3 महीने। बायोप्सी प्रूवन कैंसर था। तो इन्होंने कहा, यार अब मरना तो है ही, तो मैं अमेरिका में क्यों मरूं, वहां पे दफनाने के $200 लगेंगे, मैं क्यों नहीं अपने देश ग्रीस में जाता हूं, इकारिया में, जहां केवल $20 में मेरा काम हो जाएगा, अपने परिवार और बच्चों से भी मिल लूंगा, अंतिम समय भी अच्छा गुजारूंगा। दोस्तों वहां गए, वहां जाकर इन्होंने वेजिटेरियन डाइट खानी चालू करी, आराम से नेचर के अंदर रहते थे, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते थे, फैमिली के साथ रहते थे, विनयार्ड्स प्लांट किए। दोस्तों 1, 2, 3, 6 महीने, साल, 2, 5 साल, 6 साल बढ़ते चले गए। इनको विचार आता था, यार मुझे तो मरना है, आई एम गेटिंग बेटर, ये कैसे हो सकता है कि मैं बेटर हो रहा हूँ। दोस्तों 10 साल निकल गए, 10 साल में इनकी हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर गई, इनका मन बहुत बेचैन। ये जनाब वापस उड़कर गए अमेरिका में अपने उन डॉक्टर से मिलने के लिए जिन्होंने इनको लंग कैंसर डायग्नोज किया था। और दोस्तों जिन लोगों ने इनको लंग कैंसर डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था, वो ऑलरेडी उस टाइम तक सब मर चुके थे, ऑलरेडी दे वर डेड एट दैट टाइम। ये जनाब वहां से मिल मिलाकर वापस अपने देश आए कारिया में, और ये 102 साल तक जिए, 102 साल। इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई, जो भूल ही गया कि मुझे मरना भी है। और दोस्तों जिस जगह पर ये रहते हैं, सब एक्चुअल है, जिस जगह पर ये रहते हैं उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। इस जगह का नाम है इकारिया ग्रीस के अंदर। ये देखिए इनकी तनिक दाढ़ियां, देखिए कैसी सफेद सफेद दाढ़ियां, 90 ईयर्स एवरेज एज है इनकी। कनेक्टेड हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन दोस्तों नेचुरल लाइफ स्टाइल। दोस्तों इन जोन्स को कहा जाता है ब्लू जोन्स, और इनके अंदर कॉमन क्या है? एक्टिव लाइफस्टाइल, प्लांट बेस्ड डाइट, गुड स्लीप, नेचुरल कनेक्ट, पॉजिटिव लाइफस्टाइल। दोस्तों ये कॉमन फैक्टर्स हैं। ऐसे 5 ब्लू जोन्स अर्थ के अंदर दोस्तों दिखाए गए हैं। तो आज ये शो करता है कि आप जब अपने लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या, अपने सोच को परिवर्तित करते हैं दोस्तों, तो वो आपकी सीरियस बीमारियों में भी दोस्तों बहुत बहुत मदद करता है। इसी प्रकार दोस्तों एक घटना हमारे साथ भी हुई, 2003 20 मार्च की बात है। मैं ऑपरेट करके शाम को घर पर आया था, 5:30 बजे का समय था, थोड़ी थकावट थी, एक अनयूजुअल सा फटीक था, फीलिंग भी अजीब सी थी। 7:30 बजे मदर ने मुझे पराठा दिया, आलू का खाने को मेरा मन नहीं करा, और 8 बजे उन्होंने मेरे हाथ में मुझे आइसक्रीम दी, और मैंने हाथ में आइसक्रीम ली, एंड सडनली माई हैंड स्टार्टेड वेवरिंग एंड आई कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। मुझे सीवियर सीजर्स हुए दोस्तों, मुझे अल्टीमेटली हॉस्पिटल रश किया गया उसी रात को इन अ सेमी कॉन्शियस स्टेज। और मैंने जब अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स जब हुए, तो मेरे ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास, दोस्तों ये पिक्चर एक्चुअल मेरे MRIs की है, वो पाया गया, और इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोस किया गया। माइकोबैक्टीरियम कैंसर है, जो बहुत रेयर था, मैंने भी आज तक एक ही केस देखा है अपने ऊपर। 19 ड्रग्स अवेलेबल थे, 18 ड्रग जो थे वो मेरे ऊपर रेजिस्टेंट थे, असर ही नहीं करते थे। दोस्तों 16 टैबलेट्स में रोज की गिन के खाता था, और एक इंजेक्शन जो सेंसिटिव था रोज मुझे हाथ पर लगता था, पहले हिप्स पर लगता था, जब हिप्स बिल्कुल प्रैक्टिकली समाप्त हो गए, बहुत दर्द होता था, तो डेली हाथ पर एक इंजेक्शन मुझे यहाँ पर लगता था।
उस समय पर मेरी हियरिंग भी मेजर लॉस हुई और जो आज भी मुझे डिवाइसेस पहनने पड़ते हैं। दर्द हुआ लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी जीवन में दुख का सामना नहीं किया। दर्द रोज होता था लेकिन दुख और कष्ट की अनुभूति मैंने अपने आप को नहीं होने दी। अल्टीमेटली 2002 से ये तीन से ये ऑर्डील चालू होती हुई दोस्तों 20 जून 2005 में मेरे ब्रेन की एक मेजर सर्जरी हुई, ब्रेन की मेजर सर्जरी हुई और ये ब्रेन का मांस निकाल दिया गया। मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्टीमेटली 6 महीने बाद ही, मात्र 6 महीने बाद जनवरी 2006 में, ये देखिए पुराना लेजन वहां पर प्रैक्टिकली हील था लेकिन मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ गया। दोस्तों ये ऑपरेबल भी नहीं था, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे, सारी टैबलेट्स में रेगुलरली खा रहा, लेकिन मुझे लगा कि अब कुछ नया करना पड़ेगा। और मुझे अभी भी ध्यान है कि दादी गुलजार जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज की कोर्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, सेकंड को एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनके पास मैं गया, बहुत स्नेह था उनसे, उन्होंने प्यार से बिठाया। उन्होंने कहा मोहित तो मेडिटेशन का उपयोग क्यों नहीं करते हो अपने ऊपर। आप इमेजिन करिए एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल पर्सन को ये बोल रहा है एक कार्डियोलॉजिस्ट को। तो मैंने कहा जी दादी बिल्कुल करूंगा। उन्होंने कहा रोज तुम उठकर मेडिटेशन करो फोकस्ड, और ग्लास पानी का लेकर उसके अंदर माखी शहद को डाल के उसको चार्ज करो, अपने आप को समान दो कि आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, परमात्मिक शक्ति मुझे हील कर रही है। दोस्तों 1 साल उन मेडिसिंस के साथ मैंने रोज इस कार्य को करना आरंभ किया, पानी को सामने रखना, सवेरे उठकर बाबा के कमरे में जाना, मेडिटेशन करना और उसको उठाकर पी लेना। दवाइयां तो खा रहा था लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। जनवरी 2006 में यह था, अप्रैल 2007 में दोस्तों जब मेरे MRIs रिपीट हुए, आप देखिए मेरे ब्रेन से कंप्लीटली लेजन डिसअपीयर कर गया, कंप्लीटली। तो दोस्तों ये शो करता है कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को, पावर को लॉजिकली साइंटिफिकली अपने ऊपर यूज करते हैं, हम अपने लिए मिराकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट मिराकल्स, दिस इज नॉट यूनिक टू एनीबॉडी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही कर सकता है, दो ही कर सकते हैं, 20 साल के अभ्यास के बाद आएगा, नहीं, ये अभ्यास 20 साल के बाद नहीं, ये आपके बिलीफ सिस्टम के बाद आता है, आपकी मान्यताओं के बाद आता है। जब आप मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं तब ये लाइफ में ऑटोमेटिकली दोस्तों होने लगता है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जब फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा की तरह आप अपने मन के सिग्नल के द्वारा, विचार के द्वारा एक सिग्नल शरीर को देते हैं, हील योर सेल्फ, शरीर के सारे 50 ट्रिलियन सेल्स दे स्टार्ट वर्किंग इन हार्मनी एंड सिंक्रनी विद ईच अदर, और वो कंप्लीटली हीलिंग एनर्जी जनरेट करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन पावर केवल ऐसा ही नहीं कि हम, अगेन मैं आपको बताता हूं कि बस हम याद करें और हम केवल ये सोचते रहे, नहीं, इस याद के द्वारा हम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कैसे डिराइव करें, दिस इज व्हाट राजयोगा मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम आगे देखें कि क्या ये विचार मेरे संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं, कैन दीज थॉट्स ऑल्सो अफेक्ट माई रिलेशन, द आंसर इज येस। आप देखिए आज एक परिवार के अंदर, आपसी संबंधों के अंदर अगर हमारा रिलेशन बनता है तो वो किसके द्वारा बनता है? वो शब्दों के द्वारा नहीं बनता दोस्तों। शब्दों के अंदर झूठ और चापलूसी की चाशनी घोलकर तो हम किसी को भी पिलाते सकते हैं और पिलाते भी रहते हैं हम लोग, है ना, लेकिन शब्दों के अंदर जब दिल की सच्ची मिठास घोलकर हम किसी को पिलाते हैं, वो हमारे संबंधों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, उसको प्यार से परिपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों आज परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कारण है वो केवल एक कारण है कि लोगों की बातों को अपने मन में संभाल कर रखना। उसने मुझे ऐसा कहा, उसकी मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, होता है सबके साथ, नहीं होता? हाँ होता है या नहीं होता बताइए, सभी लोग सच सच बताइए, यस और नो, सभी के साथ होता है ना, सभी के साथ होता है। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ, हाँ कोई भी एक व्यक्ति जो करेजिए से खड़ा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कौन खड़ा होंगे? अच्छा आप बताएंगे, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए, आप बताइए, आप भी बताइए, आप सब लोग सोचिए, एक सिचुएशन क्रिएट करिए। यदि आपके लिए किसी व्यक्ति ने आज से 20 साल पहले बहुत बुरा किया हो, 20 साल पहले बहुत बुरा किया हो, 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, या 5 महीने पहले किया हो, या 5 दिन पहले किया हो, और सडनली वो व्यक्ति आज आपके सामने दोबारा आ जाता है, है ना, सडनली वो व्यक्ति दोबारा आ जाता है, इतने दिनों तक आपको मिला नहीं, आपको बहुत कष्ट दिया हो, तो उसके प्रति हमारे मन में से कैसी भावना निकलती है? गुस्सा निकलता है? नहीं निकलता, निकलता है ना, किस किस के मन में निकलता है हाथ उठाओ, सभी के मन में निकलता है गुस्सा, निकलना भी चाहिए ना, निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? अगर किसी ने, हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए, भाई जी कह रहे निकलना चाहिए। अगर किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया हो और आज वो आपके सामने आ जाए, तो उसे बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए?
नहीं, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। अगर मैं हूं तो मैं तो 10 साल का इंटरेस्ट लगा के बदला लूंगा। लेना चाहिए, क्यों, क्या दिक्कत है? उसने नुकसान पहुंचाया है, मुझे हर्ट क्रिएट किया है, तो बदला लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई? इतना नुकसान पहुंचाया हुआ क्यों? आपने मन में, आपने देखो कितना भारी रख के रखा है, उसको निकालना तो पड़ेगा वरना ये इकट्ठा होता चला जाएगा। हा? नहीं रखना चाहिए। हा? दोस्तों एक बात बताओ, एक एक्सरसाइज करेंगे सब लोग मेरे साथ? सब लोग करेंगे एक एक्सरसाइज? हाथ उठाइए सब लोग करेंगे, तो वीडियो निकालो इन सबका, पीछे निकाल लो वीडियो, ताकि ये पाकी मुकरे ना बिल्कुल। हाँ चलो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज, केवल 4 दिन के लिए हम लोग करेंगे। यहां से जब हम जाएंगे, हम रोज जाकर घर में, घर का कूड़ा, बाथरूम का कूड़ा, किचन का कूड़ा, ड्राइंग रूम का कूड़ा, सबको हम 5 दिन के लिए इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके ड्राइंग रूम में डेकोरेट 5 दिन के लिए करेंगे। तैयार सभी लोग? हाँ तैयार है? नहीं, यस और नो? अच्छा क्यों नहीं करेंगे बताओ, क्यों नहीं करेंगे भैया? क्या होगा? नहीं झगड़ा तो बाद में होगा, लेकिन और क्या नुकसान हो जाएगा? बदबू आएगी। किसको आएगी बदबू? अनहाइजेनिक होगा। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए। कौन कौन कहता है रोज होनी चाहिए, हाथ उठाओ। अच्छा घर की सफाई रोज होनी चाहिए और मन की सफाई हम 20-20 साल नहीं करें? ये कहाँ की साइंस हुई? हाँ ये तो समझ में नहीं आया बिल्कुल। हाँ एक व्यक्ति की एक बात हमने अपने मन में रख ली। अब एक व्यक्ति की एक बात मैंने अपने मन में रखी, कुछ भी हो जाए, मेरे पास कई लोग आते हैं, सर कुछ भी हो जाए इसको तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। तो मैं कहता हूँ तुम शमशान घाट तक लेके जाओगे? कहता हाँ मैं वहां तक लेके जाऊंगा। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, कमाल है ये भी। एक व्यक्ति की एक बात एक दिन मन में, 2 दिन 2 बातें, 365 दिन 365 बातें, 1 दिन में 10 लोग मिले 3,650 बातें, और 10 साल 36,000 बातें। मन मन रहेगा या मन कूड़ेदान बन जाएगा बताओ? कूड़ेदान बन जाएगा दोस्तों। यही तो परमात्मा कहता है राजयोग मेडिटेशन में, कहता है मन की सफाई करो, क्लीन योर माइंड। आज के बाद रोज उठकर अपने मन की सफाई रात को सोने से पहले हम सबको करनी है। कौन कौन करेगा बताओ? कहते ना जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, आराम से रिलैक्स होकर। अगर मेरी गलती है तो सॉरी बोल दो, अगर किसी और की गलती है तो उसे सॉरी कर दो, माफ कर दो। ऐसा नहीं कहना देख मैंने तुझे माफ कर दिया, प्यार से आराम से एक्सेप्ट करते हुए उसको क्षमा कर दो। दोस्तों जब इस प्रकार का हमारा जीवन चलेगा तो हमारे संबंध कितने श्रेष्ठ और पावरफुल बन जाएंगे। आज देखो अपने जीवन में इन 4 भावनाओं में से क्या रखना चाहोगे? संबंधों में प्यार या क्रोध, खुद सोचो। संबंधों में एक दूसरे के लिए नफरत रखेंगे या कंपैशन रखेंगे? संबंधों में कंप्लेन, ये सिस्टर 12:30 बजे तक का टाइम था ना, 12:30 आई विल वाइंड ऑफ, डोंट वरी 12। संबंधों में कंप्लेन या एप्रिसिएशन, या संबंधों में एक्सपेक्टेशंस या एक्सेप्टेंस, क्या चीज हम रखना चाहेंगे आप स्वयं सोचिए। तो आज तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इन भावनाओं को अपने जीवन में दोस्तों जरूर रखें। इसी प्रकार आज हमारे जीवन के अंदर हमारे मन, हमारा जो संकल्प है वो हमारे जीवन में पानी के ऊपर, हमारे भोजन के ऊपर, सबके ऊपर पावरफुल असर दोस्तों करते हैं, सबके ऊपर आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है। लेकिन आज जो मैं अंत में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, आप देखो कि हाउ अवर थॉट्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग अवर नेचर, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। लेकिन आज मेडिटेशन की शक्ति जो है वो हमारे संकल्प, हमारे ब्रेन को कंप्लीटली दोस्तों रीप्रोग्राम कर देती है। और कैसे करती है आप देखो, आज मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने मन को चार्ज करते हैं, जिस तरह हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार जब हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को चार्ज करते हैं दोस्तों, तो ये मेडिटेशन हमारे संकल्पों को संपूर्ण रूप से परमात्मा के साथ शक्तिशाली बनकर अलाइन कर देती है। किन शक्तियों के द्वारा? शांति, प्यार, खुशी, आनंद और पवित्रता। ये 7 गुण जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी लाइफ कंप्लीटली शक्तिशाली और पावरफुल बन जाती है। और कैसे बन जाती है? मेडिटेशन के द्वारा। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन देखिए कंप्लीटली इंबैलेंस्ड है, मैग्नेटो इनकेफेलोग्राम की पिक्चर्स को देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन कंप्लीटली इंबैलेंस्ड है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ के साथ है। लेकिन केवल 15 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा हम अपने ब्रेन को रिसिंक्रोनाइज कर सकते हैं। लुक एट दिस,
और 25 मिनट के द्वारा कंप्लीट रिसिंक्रोनाइजेशन हमारे ब्रेन में हो जाता है, जो हमको कंप्लीट ब्यूटीफुल मेंटल और इमोशनल हेल्थ देता है। दीज आर दी साइंटिफिक एविडेंसेस। दोस्तों, आज अगर हमको अपने जीवन का नया निर्माण करना है तो हमें इमोशनल और रैशनल ब्रेन, होलिस्टिक अप्रोच अपनी जिंदगी में दोस्तों रखनी पड़ेगी। तो अंत में मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, केवल यही बोलूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि हम अपने जीवन में कब परिवर्तन करें, कब परमात्मा को याद करें। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोला कि मरने से एक दिन पहले करना, वही बहुत है। तो कुछ लोग हंसने लगे। उसमें एक व्यक्ति समझदार था, मुड़कर बोला, महात्मा जी मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोला कि आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, अगर चेंज करना है तो कब करना है? हमको आज करना है। आज के परिवर्तन के द्वारा ही हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको केवल यही बोलूंगा कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। केवल खुश रहिए, खुशी बांटिए। हर व्यक्ति को जीवन में इतना दीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने आते ही आपकी वाइब्रेशंस और आपकी मन की शक्ति के द्वारा शांति की अनुभूति करे। हम केवल 30 सेकेंड्स मेडिटेशन में बैठेंगे, पावरफुल अलर्ट स्थिति में बैठेंगे, लाइट म्यूजिक प्ले करेंगे, उसके बाद भाई साहब के मुखारविंद से भी हम कुछ शब्द सुनेंगे और इस अनुभूति के अंदर अपने आप को इस शक्तिशाली स्थिति में इमर्ज करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर के अंदर शक्तिशाली और बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस हूँ। चलिए एक यात्रा पर हम लोग चलते हैं। सभी चेहरा मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ, अपने आप को इस शरीर के अंदर विद्यमान एक शांत शक्तिशाली खुशी से परिपूर्ण परम पवित्र आत्मा के रूप में देखें। मेरा एक एक संकल्प परमात्मिक शक्ति के द्वारा, परमात्मा की प्यूरिटी की वाइब्रेशंस के द्वारा, परमात्मिक स्नेह के द्वारा मुझे आनंद, सुकून और सुख की अनुभूति करा रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं अनुभव करें। अपने संकल्पों के द्वारा मैं स्वयं अपना और भविष्य का निर्माण करती हूं। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, शक्तिशाली है। मेरे संकल्प बहुत शांत हैं। इसी स्थिति में रहते हुए अपने संबंधों को भी प्यार, शांति और सुख की अनुभूति कराएं। परमात्मिक सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर मुझे आनंद की अनुभूति करा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। तो एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे।